गठन के बाद आज मंत्रियों को विभागों की जिम्मेदारी दे दी गई। शपथ ग्रहण के बाद से मंत्री को विभागों के बंटवारे से लेकर प्रदेश की राजधानी से लेकर देश की राजधानी तक चले हाई प्रोफाइल ड्रामे के बाद आज अंततः मंत्रियों को विभागों का वितरण कर दिया गया। मंत्रियों को जो विभाग दिए गए हैं उन पर अगर गौर किया जाए तो इस सूची में पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह का अपना दबदबा कायम रखने में सफल रहे हैं। वहीं सांसद ज्योतिरादित्य सिंधिया अपने विधायकों को इच्छानुसार मंत्रालय दिलवा पाने में असफल होने की चर्चाओं सामने आ रही हैं। मध्य प्रदेश में एकाएक दिग्विजय सिंह गुट का प्रभाव बढ़ने के बाद शुरू हुई खींचतान को देखते हुए राजनीति के जानकारों का मानना है कि प्रदेश में कमलनाथ सरकार अपना 5 साल का कार्यकाल पूरा नहीं कर पाएगी। यहां बता दें कि मध्य प्रदेश में पिछले 15 सालों से सत्ता में बैठी भाजपा को बाहर का रास्ता दिखाने के लिए कांग्रेस ने गुना शिवपुरी सांसद ज्योतिरादित्य सिंधिया और कमलनाथ को आगे कर चुनाव लड़ा था। इस चुनाव में कांग्रेस को जहां 114 सीटें मिली थी वहीं भाजपा के खाते में 109 सीटें आई थी। मध्य प्रदेश में कांग्रेस की 114 सीटें आने के बाद से पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह एकाएक सक्रिय हो गए। कांग्रेस ने जैसे ही बहुमत जुटाकर सरकार बनाने का दावा पेश किया उसके बाद से सबसे पहले मुख्यमंत्री का नाम तय करने के लिए सांसद ज्योतिरादित्य सिंधिया और कमलनाथ के बीच रस्साकस्सी का खेल चला। इस मामले का निराकरण दिल्ली दरबार में हुआ। मुख्यमंत्री तय होने के बाद मंत्रिमंडल गठन और फिर मंत्रियों का विभाग वितरण का मामला भी दिल्ली दरबार में पहुंचकर ही सुलझ पाया। माना जा रहा है कि प्रदेश में कांग्रेस द्वारा सरकार बनाए जाने का दावा पेश करने के बाद से पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह की सक्रियता के कारण ऐसे हालात पैदा हो रहे हैं। हर मामले का निराकरण के लिए मुख्यमंत्री को दिल्ली जाना पड़ रहा है। मंत्रियों को हुआ विभागों का वितरण, जिसमें मुख्यमंत्री कमलनाथ के पास औद्योगिक नीति एवं निवेश प्रोत्साहन, जनसंपर्क, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, विमानन, लोक सेवा प्रबंधन, अप्रवासी भारतीय विभाग, तकनीकी शिक्षा, कौशल विकास एवं रोजगार विभाग एवं अन्य विभाग जो किसी मंत्री को आवंटित न हुए हों। विजय लक्ष्मी साधो को सांस्कृतिक चिकित्सा शिक्षा एवं आयुष विभाग, सज्जन सिंह वर्मा को लोक निर्माण एवं पर्यावरण विभाग, हुकुम सिंह कराड़ो को जल संसाधन विभाग, डॉक्टर गोविंद सिंह को सहकारिता संसदीय कार्य विभाग, बाला बच्चन को गृह एवं जेल विभाग एवं मुख्यमंत्री से संबद्ध कार्य, आरिफ अकील को भोपाल गैस त्रासदी एवं राहत पुनर्वास पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक विभाग कल्याण, सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्योग विभाग, बृजेंद्र सिंह राठौर को वाणिज्य कर विभाग, प्रदीप जायसवाल को खनिज संसाधन विभाग, लाखन सिंह यादव को पशुपालन मछुआ कल्याण तथा मत्स्य विभाग, तुलसी सलावट को लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, गोविंद सिंह राजपूत को राजस्व एवं परिवहन विभाग, इमरती देवी को महिला एवं बाल विकास विभाग, ओंकार सिंह मरकाम को जनजातीय कार्य विमुक्त घुमक्कड़ एवं अर्ध घुमक्कड़ जनजाति कल्याण विभाग, प्रभुराम चौधरी को स्कूल शिक्षा विभाग, प्रियव्रत सिंह को ऊर्जा विभाग, सुखदेव पांसे को लोक स्वास्थ्य एवं यांत्रिकी विभाग, उमंग सिंगार को वन विभाग, हर्ष यादव को कुटीर एवं ग्राम उद्योग नवीन एवं नवीनीकरण ऊर्जा विभाग, जयवर्धन सिंह को नगरीय विकास एवं आवास विभाग, जीतू पटवारी को खेल एवं युवक कल्याण एवं उच्च शिक्षा विभाग, कमलेश्वर पटेल को पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग, लखन घन भोरिया को सामाजिक न्याय एवं निःशक्त जन कल्याण अनुसूचित जाति कल्याण विभाग, महेंद्र सिंह सिसोदिया को श्रम विभाग, पीसी शर्मा को विधि एवं विधायी कार्य विभाग एवं मुख्यमंत्री से संबंधित कार्य, प्रद्युम्न सिंह तोमर को खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग, सचिन यादव को किसान कल्याण तथा कृषि कार्य उद्यानिकी एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग, सुरेंद्र सिंह हनी बघेल को नर्मदा घाटी विभाग एवं पर्यटन विभाग, तरुण भनोट को वित्त एवं योजना आर्थिक एवं सांस्कृतिक विभाग दिया गया है।